नाउ इसके बाद एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स फॉर फंक्शन कॉल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको? रिकर्शन पढ़ रहे थे, तो रिकर्शन के साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स फॉर द फंक्शन कॉल, तो जो जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल होता है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड टॉप पे होता है. एंड देन द रिकर्शन, रिकर्शन में भी ऐसा ही होता है, जो फंक्शन कॉल, जिस फंक्शन की कॉल सबसे लास्ट में हुई है वो सबसे पहले डाटा वैल्यू रिटर्न करता है, तो रिकर्शन में भी स्टैक का यूज होता है. अब बाकी चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम चेक, डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, चेक ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पॉलिश एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशंस और बैक ट्रैकिंग, ये सभी चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं. ठीक है, अभी तक तो ये जनरल एप्लीकेशन है जो सबको पता था कि ये एप्लीकेशन ऐसे परफॉर्म होता है. अब हम लोग एक एक करके एप्लीकेशन को देखते हैं. तो रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, अभी आप इस एल्गोरिथम पे बिल्कुल मत जाइएगा, जब मैं आपको कहूं तभी आप इस एल्गोरिथम को देखिएगा, उससे पहले इस एल्गोरिथम को देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है. अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और मैं स्क्रीन शेयर पे आ रहा हूं. स्क्रीन शेयर में केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आप व्हाइट बोर्ड से स्विच कर सकूं इस पे आसानी से. ये मुझे कंफर्म कीजिए कि व्हाइट बोर्ड विजिबल है. यस सर. यस सर. ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है. तो हम क्या एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और लेट्स से वो स्ट्रिंग जो मेरे नाम की स्ट्रिंग है अखिलेश, और आप क्या करना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं. तो सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग एक एरे की तरह से ट्रीट होगा और एक स्पेशल टाइप का एरे है जिसका लास्ट कैरेक्टर नल होगा. ऐसा ही होगा क्या? इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर नल होगा. अदर कैरेक्टर जो इस स्ट्रिंग के हैं वो ए के एच आई एल ई एस एच हैं और लास्ट कैरेक्टर इसमें नल है. तो इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक ले लेता हूँ एंड देन इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक एक करके इस स्टैक में पुश करते हैं. सबसे पहले ए को पुश किया, देन के को पुश किया. पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्ट. तो हमने H को पुश कर लिया, देन I को पुश किया, देन L को पुश किया, देन E को पुश किया, देन S को पुश किया और फाइनली H को पुश कर दिया. ठीक है, तो ये मेरा स्टैक है और इस स्टैक में ये टॉप है. ठीक है, इस स्टैक में ये मेरा टॉप है H. अब हम क्या करते हैं कि स्टैक से एक एक करके डाटा आइटम रिमूव करते हैं. ठीक है, स्टैक से एक एक करके डाटा आइटम रिमूव करते हैं. क्वेश्चन ये कहा गया था कि मुझे इस स्ट्रिंग के मैंने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. ठीक है, तो जहां इस स्ट्रिंग में रिवर्स करके आंसर भी हम इसी स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे. जैसे ये एच आया, हमने जब टॉप से रिमूव किया तो एच सबसे पहले निकला, तो एच को हम सबसे पहला कैरेक्टर बना देते हैं इस स्ट्रिंग का. ये रिमूव हो गया है, देन इसके बाद मेरे पास एस आएगा, एस को मैं नेक्स्ट कैरेक्टर बना दूंगा. एस रिमूव हो गया, देन ई आया, ई को मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर बना दिया, ई को रिमूव कर दिया है. फिर एल को रिमूव किया और एल हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर बन गया. Then I को हमने रिमूव किया, आई मेरा नेक्स्ट बन गया कैरेक्टर. एच रिमूव किया, एच मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर बना स्ट्रिंग में. के को रिमूव किया, के आया यहाँ पे, then A, A आया. ठीक है, वैसे तो ऑटोमेटिकली लास्ट कैरेक्टर नल होगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो लास्ट कैरेक्टर को स्पेसिफिकली नल सेट कर दो, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इसका लास्ट कैरेक्टर नल होना चाहिए. तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये स्ट्रिंग जो आपको गिवन थी वो रिवर्स हो गई है या नहीं हुई है? Yes, sir. तो अगर हमने स्टैक में एक एक करके करेक्टर को डाल दिया एंड देन उसके बाद पॉप किया एक एक करके, तो हमने स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया. ठीक है, ऐसा सभी लोग इसको कंफर्म कर रहे हैं? एवरीवन अनम्यूट योर माइक एंड से यस सर. यस सर. यस सर. ओके, अब इस एल्गोरिथम पे आ जाइए. ठीक है, इस एल्गोरिथम में इस एल्गोरिथम में मुझे मैंने लिखा है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, और रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में जो मैंने पैरामीटर दिया है वो पैरामीटर दिया है str. str का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग जिसको मुझे रिवर्स करना है. ठीक है, और इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए मैंने एक स्टैक लिया अपनी तरफ से, उस स्टैक का नाम लिया s. s इज द स्टैक. ये हाईलाइट भी शो हो रहा है आपको?
मैंने स्टैक को इनिशियलाइज कर लिया. इनिशियलाइज क्यों किया मैंने, कि मैंने डिक्लेयर किया है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है इनिशियली, इसीलिए मैंने इनिशियलाइज कर लिया. उसके बाद दो काउंटर वेरिएबल्स लिए, एक आई और एक जे, दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया. आई और जे को हम जीरो से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं ये देख लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अगर स्ट्रिंग है, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग मिली थी वो अखिलेश थी, और ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए और ओरिजिनल स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को स्टैक में डालने के लिए मुझे हर एक कैरेक्टर पे पहुंचना पड़ेगा. अगर ये मेरा स्ट्रिंग है, एरे की तरह से ट्रीट होगा, तो ये जीरो इंडेक्स होगा, ये वन इंडेक्स होगा, ये टू इंडेक्स होगा, ये थ्री इंडेक्स होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो इस इंडेक्स को रेफर करने के लिए मैंने आई का यूज किया. ठीक है, सिमिलरली जब इसी स्ट्रिंग में मैं दोबारा से डाटा आइटम डालने की कोशिश करूंगा, तो भी मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स. तो इसीलिए मैंने दो काउंटर वेरिएबल्स आई और जे लिए हैं. हालांकि आप एक से भी लेते तो भी काम चल जाता. सो आई ओरिजिनल एरे के या ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक एक करके पिक करना है और उसको स्टैक में पुश करने के लिए यूज कर रहे हैं, और स्टैक से जब हम डाटा आइटम पॉप कर रहे हैं तो उसके लिए हम जे का यूज कर रहे हैं. फिर से आते हैं एल्गोरिथम पे, ध्यान से देखिए. अगर वाइल str i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, इसका मतलब है जब तक स्ट्रिंग i में नल कैरेक्टर ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर लेना है. दो पैरामीटर हैं इसमें, एक s है और एक str i है. s वो स्टैक है जहां पे पुश करना है, और str i वो डाटा आइटम है जिसको आपको पुश करना है. ठीक है, इसके बाद i++ आप कर दे रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट कैरेक्टर को पुश कर दिया है तो आप सेकंड कैरेक्टर पे आ जाइए, सेकंड कैरेक्टर को पुश कर दिया तो थर्ड कैरेक्टर पे आ जाइए, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ठीक है, ये बात समझ में आई ये वाला लूप? यस सर. ये लूप आपके समझ में आ रहा है? व्हाइल एसटीआर आई यस सर टू नल कैरेक्टर, तब तक आप हर एक कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर दीजिए. जब पुश कंप्लीट हो जाए तो देन आप स्टैक को एक एक करके पॉप करेंगे. तो स्टैक को कब तक पॉप करेंगे, ये जो स्टैक है उसको आप कब तक पॉप करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मैंने ये स्टैक लिया था और इसमें डाटा आइटम डाल दिया, तो लास्ट डाटा आइटम के रिमूवल के बाद स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, स्टैक में कोई भी डाटा आइटम नहीं होगा. तो ये प्रोसेस हम तब तक कर रहे हैं जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए. तो जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप क्या करो, स्टैक से एक कैरेक्टर पॉप करो. राइट साइड में देखिए क्या लिखा है, पॉप ऐसे लिखा गया. तो स्टैक से एक कैरेक्टर को पॉप कीजिए और पॉप किए गए कैरेक्टर को स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर बना दीजिए. स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर का मतलब क्या है, कि जे को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, तो सबसे पहला कैरेक्टर बनेगा वो जो सबसे पहले पॉप होगा. फिर जे को हम अपडेट कर दे रहे हैं जे प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर पॉप करके आएगा उसको हम नेक्स्ट पोजीशन पर स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में. सो व्हाइल नॉट एम्प्टी एस, जो भी स्ट्रिंग से कैरेक्टर आप पॉप कीजिए उसको, सॉरी जो भी आप कैरेक्टर पॉप कीजिए स्टैक से उसको स्ट्रिंग में डाल दीजिए और काउंटर अपडेट कर दीजिए ताकि नया पॉप वैल्यू जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे आए स्ट्रिंग में. फाइनली जो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि आप स्ट्रिंग बना रहे हैं इसलिए स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को नल सकते दीजिए. ठीक है, str j is equals to null character. तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं by using a stack. कितने लोगों को समझ में आ गई बात ये? Yes sir. नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस हम ले रहे हैं पैलिंड्रोम चेक करने के लिए. एक स्ट्रिंग अगर मान लीजिए आपको गिवन है तो उसको आपको ये चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान. ठीक है, अगर मैंने आप लोगों ने बहुत सारे पहेलियां खेली होंगी बचपन में और कहा होगा कि तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान डालडा, है ना. तो आपने इसको हिंदी में लिखा और हिंदी में अगर इसको रिवर्स कर दिया तो ये उल्टा सीधा एक समान हो जाएगा, पैलिंड्रोम हो जाएगा. ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर है 121 तो ये पैलिंड्रोम है, 1221 ये एक पैलिंड्रोम है. ठीक है, अगर आपके पास नंबर 1231 हो तो क्या ये पैलिंड्रोम है? नो नो सर, नहीं है पैलिंड्रोम. ठीक है, इसी तरह से एक स्ट्रिंग आप ले सकते हैं, इंग्लिश की स्ट्रिंग ले लीजिए कोई भी, ए बी ए, क्या ये पैलिंड्रोम है? यस सर. यस सर. क्या पैलिंड्रोम है? यस सर. ABCBA क्या पैलिंड्रोम है? ठीक है, आप समझ गए. तो अगर आपको ये चेक करना है कि कोई एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो सिंपल से तरीका क्या है कि एक स्ट्रिंग ले लीजिए और उसका रिवर्स फाइंड कर लीजिए. अगर रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों सेम है, इसका मतलब है कि ये पैलिंड्रोम है.
ठीक है, गिवन स्ट्रीम है, रिस्ट्रिंग है ए बी ए, इसका आप रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स करेंगे तो भी तो ए बी ए ही आएगा। तो अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम है तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। यस सर। ठीक है, तो अगर रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग सेम है तो ये पैलिंड्रोम होगा। ये हमने लॉजिक एस्टेब्लिश किया और अभी अभी आपको पता है कि स्ट्रिंग्स का रिवर्स कैसे फाइंड करते हैं स्टैक का यूज करके। अभी अभी किया ना आपने कि स्टैक को माने स्टैक का यूज करके स्ट्रिंग का रिवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ए बी सी बी ए और फाइंड करते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सभी को एक एक करके मैं स्टैक में पुश कर दूंगा जब तक मेरे पास डल कैरेक्टर ना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्मॉल ए, कौन सा स्मॉल ए डाला है, ये वाला। फिर स्मॉल बी, कौन सा स्मॉल बी डाला है, ये वाला। फिर स्मॉल सी, कौन सा, ये वाला। देन स्मॉल बी, ये वाला। एंड देन फाइनली स्मॉल ए, ये वाला। ये सही है। तो हमने इस तरह से स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को स्टैक में डाल दिया। अब आप एक काम करें कि स्टैक का टॉप एलिमेंट देखें। अब हम मैचिंग करना चाह रहे हैं। कैसे मैचिंग करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली स्टैक के टॉप पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो लास्ट कैरेक्टर है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? टॉप पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो लास्ट आइटम है। तो आप एक काम करो कि लास्ट एलिमेंट को स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच कराओ। क्या इन दोनों का मैच है? यस सर। ये ए है और ये बी। यस सर। इन दोनों का मैच है। अगर ये मैच है तो एक काम करो कि इसको पॉप कर लो। पॉप करने के बाद आप क्या करो, नेक्स्ट आइटम पे चले जाओ मैच कराने के लिए। ये स्टैक में ये जो एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट एलिमेंट है। इस सेकंड लास्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मैच कराओ स्ट्रिंग के। क्या इन दोनों का मैच है? ये भी बी है और ये भी बी है। मैच हो गया, तो चूंकि ये मैच हो गया तो इसको पॉप कर दो। फिर एक काम करो, नेक्स्ट आइटम के मैच के लिए कर चलो। इस आइटम को मैच कराओ स्ट्रिंग के थर्ड कैरेक्टर से। तो सी और सी का मैच हो गया, क्योंकि ये मैच हो गया इसलिए हम स्ट्रिंग स्टैक से इसको पॉप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आइटम की मैचिंग देखते हैं, इस बी को चेक करते हैं इस बी से। तो क्या मैच है इन दोनों का? मैच है कि नहीं? मैच है, इसका मतलब कि हमने इस आइटम को पॉप कर लिया। फिर यहां आए, इसको और स्टैक के इस आइटम को चेक किया, दोनों का मैच है क्या? यस, दोनों का मैच है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पॉप कर लेते हैं। पॉप करने के बाद स्टैक एम्प्टी हो गया कि नहीं हुआ? चेक कीजिए कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। यस सर। स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम था, तभी ऐसा हुआ कि स्टैक एम्प्टी हुआ। एक्चुअली क्या है कि हमने स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को डाल दिया स्टैक पे, फिर हमने पॉप करके सभी कैरेक्टर्स को मैच कराया, इनफैक्ट मैच करके पॉप कराया। तो अगर मिसमैच होगा तो बीच में ही डिक्लेयर हो जाएगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन कोई भी मिसमैच नहीं हुआ, सारे के सारे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के स्टैक पे सॉरी स्टैक से निकल गए, पॉप हो गए, तो उसका मतलब है कि हमारा गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम था निश्चित रूप से। ओके, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने अगर स्टैक से पॉप करके एक एक आइटम निकाल रहे हैं तो जो स्ट्रिंग बन रही है हमारी वो रिवर्स स्ट्रिंग बन रही है, और उस रिवर्स स्ट्रिंग को हम ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, वन बाय वन कंपेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि पैलिंड्रोम ना हो। ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? नो सर। नो सर। ये स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं है, हमें ये चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम कैसे निकालें स्टैक से? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं और इसके सभी कैरेक्टर्स को स्टैक में पुश करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि पहला कौन सा कैरेक्टर पुश होगा स्टैक पे? ए, ए, फिर बी, देन सी, एंड देन डी, एंड देन बी, ए। ओके, ये सब पुश हो गया। अब हम मैचिंग करते हैं। मैचिंग कैसे करते हैं? स्टैक टॉप को मैच करते हैं स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से। मैच हो गया क्या ये दोनों, ए और yes, चूंकि ए और ए yes, मैच, या इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पॉप हो जाएगा। जैसे ही डाटा आइटम पॉप होगा हम नेक्स्ट आइटम को मैच करेंगे। अब हम इस आइटम को मैच करने जा रहे हैं, मतलब सेकंड कैरेक्टर को मैच करने जा रहे हैं स्टैक के टॉप आइटम से। क्या इन दोनों का मैच है? नो सर। बी और सी का मैच नहीं है, तो आप अपने प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और यहीं पर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है,
तो जहां पर भी मिसमैच आया, द मोमेंट यू फाइंड देयर इज अ मिसमैच, यू विल डिक्लेयर दैट माय गिवन स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम. ये बात समझ में आ रही है सभी के? यस या नो में आंसर दे दीजिए. यस सर. ओके, अब आते हैं इस वाली एल्गोरिथम पे. ठीक है, इस एल्गोरिथम को देखिए ध्यान से. इस एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले क्या किया है, वैसे बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, बट बियर विद मी, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. दूसरा सोल्यूशन है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा अगर आप इसी को देख लेंगे तो. नहीं सर, वी कैन एक्चुअली जूम. सर, वी कैन जूम आल्सो. सर दिख रहा है, जूम कर रहा था सर. ठीक है, तो हमने क्या किया कि स्टैक एस कर लिया, जैसे कि एक स्टैक को डिक्लेयर किया, फिर उसका उसको इनिशियलाइज कर लिया. तो स्टैक को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना ये कॉमन प्रोसेस है और आप हमेशा इसको यूज करेंगे. इनिशियलाइज करें ताकि जीरो आइटम्स हो. इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि दो वेरिएबल्स लिए, आई और जे, जैसे कि मैंने लास्ट वाले एल्गोरिथम में भी लिया था. ये लूप के काउंटर्स हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको स्टैक पे मुझे पुश करना है. तो जब तक नल कैरेक्टर अपीयर नहीं हो जाता स्ट्रिंग में, तब तक मैं हर कैरेक्टर को स्टैक पे पुश कर रहा हूँ. ये क्लियर है सबको अभी तक? फर्स्ट कैरेक्टर को पुश करने के बाद आई को अपडेट कर दिया, आई की वैल्यू 1 हो गई. सेकंड को पुश करने के बाद आई की वैल्यू फिर से अपडेट कर दी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जब तक आपके पास स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर नहीं आ जाएगा, तब तक आप स्टैक में एक एक डाटा आइटम पुश करते रहिए. फिर इसके बाद यहाँ पे पॉप की बारी है. लेकिन पॉप करने के लिए जो आप कंडीशन लगा रहे हैं कि पॉप आप कब करेंगे, ये चेक कीजिए कि अगर स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर, स्ट्रिंग का टॉप, स्ट्रिंग का जो करंट कैरेक्टर है वो स्टैक के टॉप कैरेक्टर से मैच कर जाता है, तो स्टैक टॉप ऐसे क्या करेगा कि स्टैक के टॉप कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा. आप उसको करंट कैरेक्टर से, स्ट्रिंग के करंट कैरेक्टर से मैच करा लीजिए. अगर मैच है तब तो आप पॉप कर दीजिए, मतलब कि रिमूव कर दीजिए स्टैक से डाटा आइटम और नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जाइए चेक करने के लिए. जे प्लस प्लस से इसका मतलब ये कि आप नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जाइए चेक करने के लिए. लेकिन अगर ये दोनों अगर मैच नहीं करते, मिस मैच हो जाते हैं, तो आप ब्रेक कर जाइए. ब्रेक करने का क्या मतलब है कि आप बार बार चेक करें, रिपीटेडली चेक करें ना. एक कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं स्टैक टॉप से, फिर रिमूव कर रहे हैं, फिर दूसरे को चेक कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तीसरे को कर रहे हैं, तो रिपीटेड प्रोसेस कर रहे हैं. तो ये रिपीटेड प्रोसेस है, लूप में है, और इस लूप को उस समय ब्रेक कर दीजिएगा जबकि मिसमैच आ गया है. इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर. जैसे मिसमैच आया, मैं लूप से बाहर आ गया, तो निश्चित रूप से अगर मिसमैच हुआ था और मैं लूप से बाहर आया था तो स्टैक में कुछ डाटा आइटम बच गए थे ना. ये चेक कीजिए, जैसे ए बी सी सी ए जो हमने स्ट्रिंग ली थी, जब हम लूप से बाहर आए तो स्टैक ऐसा नहीं कि खाली हो गया, एम्प्टी हो गया. स्टैक में बहुत सारे डाटा आइटम पड़े हुए हैं, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है. तो अगर आप एम्प्टी फंक्शन कॉल करेंगे तो फॉल्स आएगा. अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तब तो मेरा ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता. लेकिन अगर ये स्टैक एम्प्टी नहीं है तो निश्चित रूप से ये पैलिंड्रोम नहीं है. सो इफ एम्प्टी एस, अगर स्टैक एम्प्टी है तो राइट पैलिंड्रोम, अदरवाइज राइट नॉट अ पैलिंड्रोम. ये बात क्लियर है आपको? यस सर. सभी को क्लियर है? सभी लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं? यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं. एक नंबर मुझे गिवन है और मुझे उससे बाइनरी जनरेट करना है. एक नंबर मुझे गिवन है और मैं उसका बाइनरी जनरेट करना चाहता हूँ. बाइनरी का मतलब जानते हैं आप लोग? किसी ने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं? यस सर, पता है. यस सर, पता है. यस सर. बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फाइंड कैसे करते हैं? अब तो आप सीओ पढ़ रहे होंगे, उसमें भी आपको बताया गया होगा. बताया सर, ऑक्टल नहीं पता. ठीक है, कोई बात नहीं, बाइनरी देख लेते हैं. बाइनरी नंबर क्या होता है कि उसमें वंस और जीरोस होते हैं. ठीक है, इन द बाइनरी नंबर्स वी हैव वंस एंड जीरोस, ओनली वंस एंड जीरोस. जैसे कि डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक. ये मेरा एक नंबर है जिसमें जो डिजिट्स होंगे वो 0 से 9 तक हो सकते हैं. डी ई सी आई एम एल, डेसिमल का मतलब है कि इसमें 10 डिजिट्स होंगे. वो 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 9. इसी तरह से बाइनरी में 2 डिजिट होंगे. बाइनरी में कौन कौन से डिजिट्स होंगे? 0 एंड 1. आप हमेशा 0 से स्टार्ट करें. ठीक है, अगर हम माने कि एक नंबर टर्शियरी नंबर है, बाइनरी की जगह वो टर्शियरी नंबर है,
तो उसमें तीन डिजिट्स होंगे 0, 1, 2। अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि ऑक्टल है, ठीक है, तो ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16 डिजिट्स होंगे। तो 16 डिजिट्स तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे किया जाता है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स ये हो गई, फिर नेक्स्ट को हम ए मानते हैं 11 को, ठीक है, 10 को ए मानते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ठीक है, बात समझ में आई आपके? हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो 0 से लेकर 9 तक तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ए 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को और एफ 15 को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे डिजिट्स होंगे वो 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक, ये नंबर्स हमारे इंक्लूड होते हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि कंप्यूटर में कोई भी अर्थमेटिक अगर होती है तो वो अर्थमेटिक बाइनरी के फॉर्म में होती है, कोई तो भी नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बाइनरी के फॉर्म में ही कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होगा, और कभी भी कोई अर्थमेटिक परफॉर्म होगी तो बाइनरी के फॉर्म में ही अर्थमेटिक परफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब हम एक नंबर ले लेते हैं और लेट से वो नंबर मेरा 1 है, तो 1 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में भी 1 होगा। 2 है तो 2 को हम डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते बाइनरी में, इसलिए इसको हम 10 लिखते हैं। 3 है तो 3 को कैसे लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा। 4 है, 4 को कैसे लिखा जाएगा, अब 4 को लिखने के लिए 100। 5 कैसे लिखा जाएगा, 101। 6 कैसे लिखा जाएगा, 110। 7 कैसे लिखा जाएगा, 111। 8 कैसे लिखा जाएगा, 1000। अभी आप केवल यहां तक समझें कि ये हो क्या रहा है, इसमें कैसे नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, ये बताया गया कि नहीं आपको सीओ में या कहीं पे, और ये नंबर्स एक्चुअली बढ़ कैसे रहे हैं? यस सर। किस सब्जेक्ट में बताया गया? यस सर, बताया सीओ। हाँ जी, सीओ में बताया गया। तो बताया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया गया तो आप एक चीज ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ बार्स हैं, ठीक है, बार का क्या मतलब है कि ये बाट है, ये जो किराने की दुकान पर जाते हैं, पुराने वाले सिस्टम में कुछ किराने की दुकान में बाट होते थे, सब्जी वाला अभी भी बाट लेके आता है, ठीक है, तो ये जो बाट है वो कितने कितने ग्राम का है याद रख लीजिए, या कितने कितने केजी का है, ये जो ग्राम, ये जो बाट है वो 1 केजी का है, ये जो बाट है वो 2 केजी का है, ये बाट जो है वो 4 केजी का है, ये बाट 8 केजी का है, ये 16 केजी का है और ये 32 केजी का है। ठीक है, तो अगर आपको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट करना है 6 को, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा बाट उठाएंगे बताइए? 4 एंड 2 के बाट। ठीक है, तो 4 एंड 2 के बाट को आप उठाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इसको 1 ले लीजिए और इसको 1 ले लीजिए, बाकी सबको 0 0 लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सबको क्या लिख लीजिएगा, 0 0 लिख लीजिएगा। तो ये एक तरीका है कि इससे आपको किसी भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल इसका लेता हूँ, लेट्स से मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5 के लिए मैं कौन कौन से बाट को पिक कर लूं? 4 एंड 1 को मैं पिक कर लेता हूँ, तो इसको मैं 1 और 1 लिख लेता हूँ, बाकी सबको 0 लिख लेता हूँ। और ये जो लिखा गया है 1, 2, 4, 8, 32, ये पता है कैसे लिखा गया है? ये 2 पावर 0 है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बार्ट के सिस्टम के हिसाब से हम किसी भी बाइनरी नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा नंबर गिवन है, 37 गिवन है, और मुझे पता करना है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा इस बार्ट के बार्ट सिस्टम के हिसाब से? 100 100 100 कैसे कैसे निकाला आपको 37? 37 के लिए 32 किलो का बाट उठाएंगे, बच गया कितना, 5 4 एंड 1 4 और 1 हो गया, इसका मतलब इन सबको आपको 0 रखना है।
100101 ये आपका 37 का बाइनरी हो गया। और भी बड़ा नंबर अगर आपको गिवन है तो ये BART सिस्टम से फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके लिए अर्थमेटिक एक किया जा सकता है। वो अर्थमेटिक ये है कि आप 2 से इसको रिपीटेड डिवीजन आप 2 से कर लीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 37 का ही मुझे फाइंड करना है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ये जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या होगा बताइए, क्वेश्चन क्या होगा? 18 टू जा 36 होगा, ठीक है, 18 टू जा 36, ये सही है? यस सर, यस सर। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 एक बार इसको 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा ये? 0 9 0 0 0। एक बार फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 क्वेश्चन 4 आया और रिमाइंडर 1 फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन कितना आया? 2 रिमाइंडर 0 0 फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 0 फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इस नंबर इन नंबर्स को उल्टा पढ़ लीजिए, यही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब 1 0 0 1 0 1, यही इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि 2 से रिपीटेडली हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम 2 से रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इन नंबर्स को अगर हम रिवर्स में प्रिंट कर दे रहे हैं तो यही मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट हो जा रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टैक ले लें और जो भी नंबर मुझे रिमाइंडर मिल रहा है उसको मैं स्टैक में स्टोर करता चलता हूँ। सबसे पहले मुझे 1 रिमाइंडर मिला होगा तो मैं स्टैक में इसको स्टोर कर लेता हूँ, फिर 0 रिमाइंडर मिला होगा मैं 0 को स्टोर कर लेता हूँ, फिर 1 रिमाइंडर मिला होगा 1 को स्टोर कर लेते हैं, फिर 0 मिला होगा 0 पे स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, फिर 0 मिला होगा 0 यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, एंड देन ये 1 को स्टैक पे स्टोर कर लेते हैं। ये रिपीटेड डिविजन हम तब तक कर रहे हैं जब तक कि मेरा नंबर 0 ना हो जाए रिपीटेडली 2 के डिविजन से। आप क्या करते हैं, एक एक करके स्टैक से वैल्यूज को पॉप करते हैं जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो पहली वैल्यू आप पॉप करेंगे तो 1 मिलेगा, दूसरी वैल्यू 0 मिलेगी, तीसरी वैल्यू 0 मिलेगी, तीसरी 1 मिलेगी, नेक्स्ट वैल्यू 0 मिलेगी और नेक्स्ट वैल्यू 1 मिलेगी। अब आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, सारे डाटा आइटम रिमूव हो गए, तो यही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। ये समझ आया बात कैसे हुआ? जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको स्टैक पे स्टोर कर लीजिए। जब आपका नंबर डिवाइड होकर 0 हो जाए तो इस स्टैक को रिपीटेडली पॉप कीजिए जब तक स्टैक एम्प्टी हो जाए, यही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। देखिए इस एल्गोरिथम को देखिए, चेक कीजिए सभी लोग, ये विजिबल है आपको। इसमें आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपने डेसिमल नंबर बेस लिया या डेसिमल नंबर इनपुट गिवन है, फिर हमने एक स्टैक ले लिया, स्टैक को इनिशियलाइज कर लिया। स्टैक को इनिशियलाइज करने के बाद ये जो गिवन नंबर जब तक 0 ना हो जाए, चेक कीजिए कंडीशन ये है कि जब तक ये गिवन नंबर 0 ना हो जाए आप डेसिमल मॉडुलस 2 फाइंड करें, ठीक है। डेसिमल मॉडुलस 2 मतलब कि 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करें और जो भी रिमाइंडर आए उसको स्टैक में पुश कर लीजिए, स्टैक में पुश कर लीजिए, ठीक है। फिर एक काम और करना होगा कि जो गिवन नंबर डेसिमल है उसको रिड्यूस कर लीजिए। कैसे रिड्यूस होगा? ये डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल डिवाइड बाय 2, ये जो डेसिमल नंबर हमारा गिवन है इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए ताकि नंबर छोटा हो जाए। व्हाइट बोर्ड पे आके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं आप कि पहले नंबर 37 था, आप जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी ये 18 बनेगा, 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तभी ये 9 बनेगा, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे देन ये 4 बनेगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा, 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा और 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास 0 आएगा। तो आपको रिपीटेडली डिवाइड करते रहना है 2 से जब तक कि आपका नंबर 0 ना हो जाए, और जैसे ही ये नंबर 0 हो आपको क्या करना है, रुक जाना है और स्टैक के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके पॉप कराना है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, कंडीशन देखिए नेक्स्ट, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको स्टैक को पॉप करना है, पॉप किए गए आइटम को एक्स वेरिएबल में ले लेना है और इस डाटा आइटम को प्रिंट कर देना है। तो जिस ऑर्डर में प्रिंटिंग हो रही है वही हमारा बाइनरी नंबर है। फिर से देखते हैं इसको, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए स्टैक को पॉप कीजिए, पॉप किए गए आइटम को एक्स वेरिएबल में ले लीजिए और इसको प्रिंट कर दीजिए।
तो जिस ऑर्डर में हमारी प्रिंटिंग हो रही है वही हमारा बाइनरी नंबर है। कंफर्म कीजिए कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। पेस बहुत ज्यादा तो नहीं है, समझ में आ रहा है सबके? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मान ली मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? एनीवन, अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? बाइनरी में तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, अगर मुझे किसी गिवन डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल, जो मुझे नंबर गिवन है वो नंबर है लेट से 547, तो 547 को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सी ऑक्टल नंबर से मॉड्यूलो कर देंगे। हां यस, आपको जैसे बाइनरी नंबर में हम 2 से डिवाइड करते थे, तो 2 से इसलिए डिवाइड करते थे क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 है, ठीक है? अगर ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल नंबर का बेस 8 है ना? अगर मेरे पास टर्शियरी नंबर होगा तो टर्शियरी नंबर का बेस कितना होगा? 3 होगा। तो जो भी बेस है हम उसी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 8 बेस है तो 8 से रिपीटेडली हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 6 जा 48 एंड 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना आया? 3। मैं गलत होंगे तो बता दीजिएगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 4। फिर 8 से डिवाइड किया, 1 आया, 0 रिमाइंडर, ठीक है? फिर 8 से डिवाइड किया, 0 यहां आया और यहां पे ये, तो इसका मतलब है कि 1043 इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट। ये सही है या गलत है मुझे बताइए। राइट सर। हैं? राइट सर। ये मेरा ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर आएगा 8 से डिवाइड करके उसको स्टैक में स्टोर कर लेंगे, देन स्टैक को 1 by 1 पॉप करेंगे और प्रिंट कर देंगे। सीरियस एल्गोरिथम। ऑक्टल में तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, अब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो मेन प्रॉब्लम है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाली है। तो जैसे हम बाइनरी में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, टर्शियरी में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से ऑक्टल में हम 16 से डिवाइड कर देंगे नंबर को, ठीक है? 16 से डिवाइड करने के बाद प्रिंटिंग कैसे होगा ये आपको देखना पड़ेगा। शायद आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मान लीजिए नंबर आ है 1 2 3 4 7, ठीक है? ये छोटा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। इसको इसका ऑक्टल हेक्साडेसिमल हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं। तो मुझे बताइए कि कोशेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या? What will be the quotient and what will be the remainder? Quotient 7-7. Quotient will be 7-7. गलत है। 7-0-7 होगा। या 7-7 या 7-7? ठीक है, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर इज 2, ओके। इसको 16 से फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना आया बताइए? 4। 4 आया। और रिमाइंडर 13, इसको 16 से फिर डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 4 और क्वेश्चन 0, ठीक है? तो हम इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा क्या? 4 तो आएगा ही आएगा, उल्टा पढ़ रहे हैं। 13 को हम क्या लिखेंगे? इसमें क्या सेलेक्ट करना है? ए 10 है, बी 11 है, सी डी 13 है, ई 14 है और एफ 15 है। तो हम 13 को क्या लिखें? डी और 2। सो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो यही है, ठीक है? इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 4d2। ये सबके समझ में आया या एक एग्जांपल और ले लें? एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
5044 इसको फाइंड करते हैं इसका हेक्साडेसिमल 16 से इसको डिवाइड करते हैं बताइए क्या आएगा डिवीजन में 315 श्योर चेक कर लीजिए 315 और रिमाइंडर So four. Remainder is four. Okay. सही सभी लोग एग्री कर रहे हैं इसमें Yes, sir. अच्छा फिर से 16 से डिवाइड कीजिए क्वेश्चन 19 और रिमाइंडर 11 रिमाइंडर इज 11 ओके फिर 16 से इसको डिवाइड करते हैं क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 3 फिर 16 से इसको डिवाइड करते हैं क्वोशेंट 0 रिमाइंडर 1 सो 1 3 11 4 इसको कैसे लिखा जाएगा 1 3 11 की जगह क्या लिखे हम बी एंड 4 तो ये मेरा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया ठीक है ये सबके समझ में आ रहा है यस सर ओके यस सर 1 3 b 4 इसका होगा अच्छा अब हमें इसके लिए एल्गोरिथम लिखना है एल्गोरिथम लिखने के लिए हम प्रोसेस वही करेंगे जो हम बाइनरी में कर रहे थे बट ये हमें चेंज कर देना है बीच में कि अगर 10 11 12 13 14 15 आए तो उसकी जगह हम ए बी सी डी ई एफ लिख पाए तो इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि रिमाइंडर को इसमें स्टोर करते हैं स्टैक में तो सबसे पहले रिमाइंडर 4 आया तो हमने 4 यहाँ स्टोर कर दिया फिर 11 आया तो 11 यहाँ स्टोर कर दिया फिर 3 आया तो 3 यहाँ स्टोर कर दिया फिर 1 आया तो हमने 1 यहाँ स्टोर कर दिया ठीक है अब पॉप की बारी है पॉप करने से पहले हम जब प्रिंटिंग करने के लिए एक एरे ले लेते हैं ठीक है तो इसको यहाँ से इस एल्गोरिथम से देखिएगा एक हमने एरे लिया है और ये जो एरे मेरा है इसमें जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो चेक कीजिए कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन उसका ए बी सी डी ई एफ ओके ये एक हेक्स नाम का एरे हमने ले लिया ये कैरेक्टर एरे है कोड जब लिखेंगे तो उसको हम कैरेक्टर एरे बना लेंगे तो इस कैरेक्टर एरे में जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है व्हाट इज द एलिमेंट एट जीरो इंडेक्स एवरीवन प्लीज टेल मी जीरो इंडेक्स पे जीरो एलिमेंट है और वन इंडेक्स पे वन टू इंडेक्स पे टू इंडेक्स पे फोर थ्री इंडेक्स पे थ्री फोर इंडेक्स पे फोर नाइन इंडेक्स पे नाइन टेन इंडेक्स पे ए और इलेवन इंडेक्स पे बी बात समझ गए आप 15 इंडेक्स पे क्या होगा एलिमेंट एफ तो जो रिमाइंडर मेरा है वो 0 से 15 के बीच में कोई वैल्यू आ सकता है अब आप इस एल्गोरिथम को ध्यान से देखो कि जब तक डेसिमल नंबर 0 ना हो जाए तब तक डेसिमल मॉडुलस 16 करके जो भी नंबर आए उसको स्टैक पे पुश कर दो ठीक है व्हाइल डेसिमल इज नॉट इक्वल टू 0 डेसिमल मॉडुलस 16 को स्टैक में स्टोर कर दो और नंबर को छोटा कर दो नंबर को छोटा कैसे करेंगे डेसिमल इज इक्वल्स टू डेसिमल डिवाइडेड बाय 16 ठीक है डन इसके बाद क्या करना है इसके बाद मुझे स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए व्हाइल नॉट एम्प्टी एस तब तक स्टैक को पॉप करना है पॉप किए गए आइटम को आप एक्स में ले लो लेकिन इसको डायरेक्टली मत प्रिंट कराओ इसको आप इस हेक्स एरे के थ्रू प्रिंट कराओ तो हेक्स एरे में मैं x इंडेक्स को रेफर कर रहा हूँ अगर मेरा नंबर 0 आया था तो मैं 0 इंडेक्स को रेफर कर रहा हूँ और 0 मुझे मिल रहा है तो 0 में प्रिंट करा दे रहा हूँ अगर ये 7 आ रहा है तो 7 इंडेक्स को मैं रेफर कर रहा हूँ 7 इंडेक्स को मुझे 7 ही मिल रहा है तो 7 को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ अगर x की वैल्यू 10 है तो मैं 10 इंडेक्स को रेफर कर रहा हूँ यहाँ मुझे 10 a मिल रहा है मैं a को प्रिंट कराऊंगा मैं अगर 12 x अगर 12 आता है तो 12 इंडेक्स को मैं रेफर करूंगा और यहाँ मुझे c मिलेगा और मैं c को प्रिंट करा देता हूँ और अगर ये 15 आता है तो मैं 15 इंडेक्स को रेफर करूंगा यहाँ मुझे एफ मिलेगा मैं एफ को प्रिंट करा दूंगा
और इस तरह से मैं हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करा सकता हूँ गिवन डेसिमल के इक्विवेलेंट। ये मुझे बताइए कि क्लियर है? यस सर। एवरीवन प्लीज एंडोर्स कि ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। तो इससे गिवन डेसिमल नंबर को हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टैक का, पैरेंथेसिस चेकिंग यूजिंग दी स्टैक। अब पैरेंथेसिस का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपके आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है एंड दैट एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी माइनस, ये पैरेंथेसिस ही है, सी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई पैरेंथेसिस क्लोज। तो आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन लिखा है और इस सी लैंग्वेज में लिखे गए एक्सप्रेशन में ये हमारे पास पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस और इसको हम कह रहे हैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस। आपको चेक ये करना है कि ये जो ओपनिंग और पैरेंथेसिस का ऑर्डर है वो सही है कि नहीं, ठीक है। क्या जितने ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं उतने ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं कि नहीं, कहीं कम तो नहीं रह गए ओपनिंग पैरेंथेसिस या कहीं कम तो नहीं रह गए क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में से मैं केवल पैरेंथेसिस को निकाल लेता हूं, आई एम जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन द सेम ऑर्डर दे हैव अपीयर्ड। अब आपको ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर सेम है, इस ऑर्डर सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को रेफर करो, मान लेते हैं कि सब एक्सप्रेशन है, इसमें से जैसे ही ओपनिंग पैरेंथेसिस मुझे मिला मैंने स्टैक में पुश कर लिया, जैसे ही ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला मैंने स्टैक में पुश कर लिया, जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला मैंने स्टैक से पॉप कर लिया, जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मुझे मिला मैंने स्टैक से पॉप कर लिया, एक्सप्रेशन फिनिश हो गया। एक्सप्रेशन में और कोई ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है और अगर एंड में मेरा स्टैक एम्प्टी है तो उसका मतलब है कि ये मेरा एक्सप्रेशन सही है। ओपनिंग पैरेंथेसिस को मैंने स्टैक पे पुश किया है, क्लोजिंग के क्लोजिंग आने पे पॉप किया है, अगर एंड में एक्सप्रेशन करेक्ट एंड में अगर एम्प्टी स्टैक मुझे मिलता है तो मैं कहूंगा कि मेरा स्टैक मेरा एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये लिया, अब बताओ ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से? इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर सही है या गलत है? गलत। गलत है, चेक कीजिए सभी लोग। सही है सर। कितने लोग कह रहे हैं सही है? क्या आप ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद सी प्लस डी, लिख सकते हैं या नहीं? तो इसमें से आपने यही तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यस सर। ठीक है, ओके। इसको मुझे चेक करना है कि ऑर्डर सही है कि नहीं। ऑर्डर सही करने के लिए मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला पुश कर लिया, क्लोजिंग मिला पॉप कर लिया, ठीक है। अब मेरे स्टैक में कुछ नहीं है, फिर ओपनिंग आया फिर से स्टैक पे पुश कर लिया, फिर क्लोजिंग आया स्टैक से पॉप कर लिया, स्टैक एम्प्टी है या स्टैक में कोई आइटम है बताइए? स्टैक एम्प्टी है तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं कि ये एक्सप्रेशन सही है? यस सर। ये जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है? यस सर। ओके, अच्छा आप कुछ इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस लेते हैं। इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल दिस, ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? इनकरेक्ट। तो मैंने कैसे चेक किया इसको? ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश, अनदर ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पॉप और एक्सप्रेशन में कुछ और नहीं बचा। तो एंड में मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक में एक आइटम पड़ा हुआ, इसलिए मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरा एक्सप्रेशन सही नहीं है, एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। देन इज दिस एक्सप्रेशन करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect. So how will we check that this expression is correct or incorrect? एक opening parenthesis आया मैंने push कर दिया,
एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, मैंने पुश कर दिया. क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, मैंने पॉप किया. एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, मैंने पॉप किया. एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, लेकिन मेरे पास पॉप करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो इसका मतलब है कि मैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है. मैं इस केस में भी डिक्लेयर करूंगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट नहीं है. ठीक है ये सर. और कंडीशन लगानी पड़ेगी मतलब एल्गोरिथम में. एल्गोरिथम में देखते हैं एल्गोरिथम में कैसे हो. ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस हो तो गलत है, एक्स्ट्रा क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो तो भी गलत है. ठीक है, ये सही है? यस सर. यस सर, ये सही है या गलत है ये वाला जो मैंने दिया एक्सप्रेशन? बताइए. ये सही है गलत है सर? एम्प्टी स्टैक लिया, एम्प्टी स्टैक मैंने लिया और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, तो स्टैक से पॉप करने की कोशिश करेंगे लेकिन स्टैक में तो कुछ है ही नहीं है. तो जैसे ही मैं ये वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस अपीयर हुआ और स्टैक में कोई भी डाटा आइटम नहीं है, हम तुरंत डिक्लेयर कर देंगे कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो इनकरेक्ट है. इस वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे. ठीक है, यही बात यहाँ पे भी हुई है. अगर आप ध्यान से देखो तो यही बात यहाँ पे भी हुई है. इसमें ओपनिंग आया था, मैंने पुश कर दिया, फिर ओपनिंग आया, पुश कर दिया, क्लोजिंग आया, पॉप कर दिया, क्लोजिंग आया, पॉप कर दिया, एक और क्लोजिंग आया और मेरे पास पॉप करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो सेम कंडीशन यहाँ पे, क्लोजिंग आया और मेरे पास पॉप करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो मैं ऐसे ही कंडीशन में ये डिक्लेयर करूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है या ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है. डन, कितने लोगों को समझ में आया ये बात? यस सर. इस एल्गोरिथम में क्या कहा जा रहा है कि पैरेंथेसिस मुझे चेक करना है, एक एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, उस एक्सप्रेशन में मुझे चेक करना है कि पैरेंथेसिस सेम सही ऑर्डर में है या नहीं है. तो मैंने एक स्टैक ले लिया, उस स्टैक को इनिशियलाइज कर लिया. तो ये काम तो मैं कॉमन काम कर रहा हूँ, कोई एक स्टैक लूंगा और इनिशियलाइज कर दूंगा उस स्टैक को. ठीक है, इसके बाद मैंने एक फ्लैग लिया है. फ्लैग किस लिए यूज होगा बाद में समझ लेंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं फ्लैग की बात. जब तक एक्सप्रेशन में नल कैरेक्टर ना आ जाए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग माना है इसको, इस एक्सप्रेशन को, मेरे पास अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, अगर एक्सप्रेशन आई ओपनिंग पैरेंथेसिस है, देखिए एक गलती इसमें हो गई है, इसमें मुझे एक आई लेना चाहिए था जिसको जीरो से इनिशियलाइज करना चाहिए था, जो कि लूप का काउंटर हो. ठीक है, तो आई ले लीजिए जो लूप का काउंटर हो. तो एक्सप्रेशन आई अगर नल कैरेक्टर है, सॉरी एक्सप्रेशन आई अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो मैं उसको स्टैक पर पुश कर दे रहा हूं. मतलब कि एक्सप्रेशन में करंट कैरेक्टर अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो मैं उसको पुश कर दूंगा, और अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो मैं पॉप करूंगा. लेकिन पॉप कंडीशनल है मेरा. कैसे? अगर एम्प्टी है स्टैक तब तो पॉप नहीं कर पाओगे ना. क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया और आपका स्टैक एम्प्टी है तब तो आप पॉप नहीं कर पाओगे. ये वाली कंडीशन हो जाएगी, जैसे हमने ये वाला लिया था एग्जांपल. ये और ये वाला, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस ही बिगिनिंग में आ गया, स्टैक एम्प्टी है, तो इसमें से डाटा आइटम पॉप ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन लिखा गया है कि अगर एम्प्टी नहीं है स्टैक, एम्प्टी स्टैक नहीं है, इसका मतलब कि कुछ डाटा आइटम पड़े हुए हैं, तभी आप पॉप करो. लेकिन अगर एम्प्टी है तो पॉप नहीं कर सकते आप, और आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है. इसके लिए हमने एक फ्लैग यूज किया, फ्लैग इक्वल टू जीरो सेट कर दिया. फ्लैग इक्वल टू जीरो सेट करने का ये मतलब है कि मेरा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है. और ये उसी केस में मैं कर रहा हूं कि जब मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जा रहा है और स्टैक से पॉप करने के लिए कोई भी डाटा आइटम नहीं है. और अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आगे के एक्सप्रेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लूप को ब्रेक कर दो. लूप को ब्रेक करने के बाद ये डिक्लेयर कर देना कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, अब आते हैं कि मान लीजिए कि लूप फिनिश हो गया, सभी कैरेक्टर्स को मैंने चेक कर लिया,
सभी कैरेक्टर्स को चेक करने के बाद अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो दो कंडीशन में ये एम्प्टी हो सकता है, या तो फ्लैग वन है, देखिए फ्लैग को मैंने वन इनिशियलाइज किया है, फ्लैग जीरो केवल उस केस में सेट होगा जबकि क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया और मेरे पास स्टैक से पॉप करने के लिए कुछ भी नहीं, अदरवाइज फ्लैग वन ही रह जाएगा, फ्लैग में कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरा स्टैक अगर एम्प्टी है और फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब पैरेंथेसिस बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी है और फ्लैग वन है, इसका मतलब कि फ्लैग जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जितने ओपनिंग थे उतने ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस थे, इसलिए हमारा पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं इसको। अगर स्टैक एम्प्टी है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो फ्लैग जीरो होके हम बाहर आए होंगे लूप से, तो उस केस में हम कहेंगे कि पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जितने ओपनिंग थे उतने क्लोजिंग थे, सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस हमने पॉप कर दिए, स्टैक एम्प्टी हो गया, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब कि स्टैक में कुछ कैरेक्टर बच गए, तो निश्चित रूप से बैलेंस्ड नहीं है वो पैरेंथेसिस। नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस की संख्या या पैरेंथेसिस की जो संख्या है ओपनिंग पैरेंथेसिस की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस आर मोर देन नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब आप इसको आराम से देख लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। यू मे आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कितने लोगों को समझ में आया ये बात, चेक कर लीजिए इस एल्गोरिथम को आराम से। सर आ गई। आपके अलावा कितने लोगों को समझ में आया, इस पर डिपेंड करेगा। आ गया सर। ठीक है, अब एक छोटा सा आपके लिए असाइनमेंट टास्क है। असाइनमेंट क्या है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें स्क्वायर, कर्ली और स्मॉल ब्रैकेट्स आ रहे हैं। आपको ये पता करना है कि ये इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट्स का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं है। एग्जांपल लेते हैं इसका, ये सभी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और इस मैथमेटिक्स में A plus this B minus C divided by D raised to the power F, small bracket close, curly bracket close and square bracket close। पढ़ा होगा ना आपने इस तरह का एक्सप्रेशन, वैसे मुझे पूछने की जरूरत है नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा मुझे पता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स उसके बाद ओपन होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स सबसे लास्ट में ओपन होते हैं, सबसे पहले क्लोज हो जाएंगे वो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज होंगे। तो इस तरह का भी अगर एक्सप्रेशन हो तो आपको ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर सही है या नहीं है, या ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स की जो संख्या है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, कर लेंगे इसको स्टैक से। बताइए, लगभग पैरेंथेसिस जैसा ही है ये भी। यस सर, हो जाएगा है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर आपके पास ऑर्डर ही आ जाए तो ये ऑर्डर सही है या गलत है। गलत है। या ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर सही है या गलत है। गलत। तो आपको गलत है। आपको वैलिड या इनवैलिड एक्सप्रेशन इसके बेसिस पे आपको बताना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है या नहीं। फाइन, समझ में आ गई बात सबको। यस सर। यस सर।
Yes, sir. कौन कौन से एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किए? इनमें से फाइंडिंग रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम चेक, डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, चेक कर लिया ना ये सारे क्वेश्चंस? चेक ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस, चेक ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस, ये रह गए. इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स प्रीफिक्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कि इसमें 10 दिन का समय लगेगा कवर करने में. आराम से करेंगे. बैक ट्रैकिंग में अभी डिस्कस कर देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है. बैक ट्रैकिंग का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम किसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, ठीक है, किसी और दूसरे रास्ते की तलाश पे. होता है सभी लोगों के साथ में. आगे गए तो आपको पता चला कि अरे मैं तो गलत आ गया. फिर आप उसी रास्ते पीछे आए और कहीं थोड़ा सा पीछे आने के बाद एक दूसरा रास्ता ले लिया, फिर उसमें आगे चलते गए. अगर आपको लगा कि नहीं यार मैं यहाँ पे भी गलती कर गया, तो फिर पीछे आओगे थोड़े स्टेप्स एंड देन एक नया रास्ता पिक करोगे. इसी को हम बैक ट्रैकिंग कह रहे हैं, ठीक है. तो बैक ट्रैकिंग भी जो है वो एक एप्लीकेशन है स्टैक का, ठीक है. बैक ट्रैकिंग का एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि मेरे पास एक चेस बोर्ड है, ठीक है. दिस इज दी चेस बोर्ड. चेस बोर्ड सभी लोगों ने देखा होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं कि चेस बोर्ड कैसा होता है. तो इस चेस बोर्ड में कुछ कंडीशन है. वैसे यूजुअली जो चेस बोर्ड होता है वो 8x8 का होता है नॉर्मली. मान लेते हैं कि मेरा जो चेस बोर्ड है वो 8x8 4x4 का है, और इस 4x4 के चेस बोर्ड में मुझे क्वीन को अरेंज करना है, ठीक है. इस 4x4 के चेस बोर्ड पे मुझे क्वीन को अरेंज करना है. क्वीन क्या होता है? अगर आपने चेस बोर्ड को इंग्लिश में समझाया तो ये क्वीन है, और अगर आपने हिंदी में समझाया तो इसको वजीर कहते हैं, चेस बोर्ड के टर्मिनोलॉजी में. तो क्वीन एक ऐसा मुहर है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है. वो किसी भी डायरेक्शन में अटैक कर सकता है. वो हॉरिजेंटली भी अटैक कर सकता है, वो वर्टिकली भी अटैक कर सकता है, और वो डायगनली भी अटैक कर सकता है. तो हॉरिजेंटली, वर्टिकली एंड डायगनली किसी भी डायरेक्शन में क्वीन हमारा अटैक कर सकता है. अब इस चेस बोर्ड में हम मान लेते हैं कि एक एक क्वीन ना होके, दो क्वीन ना होके, बल्कि हमारे पास चार क्वींस है, ठीक है. वी हैव फोर क्वींस. इन केस वी हैव फोर क्वींस, हमें इन फोर क्वींस को इस चेस बोर्ड पे ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी अटैकिंग ऑर्डर में ना हो, ठीक है. ये जो चारों क्वींस है इनमें, इनको इस तरह से प्लेस करना है चेस बोर्ड पे कि कोई भी क्वीन जो है वो अटैकिंग ऑर्डर में ना हो. अब आप लोग अपना अनम्यूट करके मुझे आंसर देते रहिएगा. मान लीजिए कि पहला क्वीन मैं फर्स्ट रो में पिक कर देता हूँ, रख देता हूँ सॉरी, तो क्या मैं दूसरी क्वीन को इसी रो में रख सकता हूँ या नहीं? नो सर. अब एक काम करते हैं कि दूसरी जो क्वीन है उसको हम सेकेंड रो में रखते हैं, तो क्या हम यहाँ रख सकते हैं? यहाँ पे नो सर. यहाँ रख सकते हैं? नो सर. यहाँ रख सकते हैं? यस सर. अब एक तीसरी क्वीन को रखते हैं थर्ड रो में, क्या यहाँ रख सकते हैं? नो सर. यहाँ? यस सर. यहाँ रख दें? अच्छा नहीं नहीं नो सर. कौन अटैक करेगा इस केस में? ये वाला अटैक कर देगा. Yes, फिर ये यहाँ? नो सर. यहाँ? नो सर. नो सर. इसका मतलब है कि मेरे पास सलूशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक करना पड़ेगा. एक स्टेप पीछे चले जाइए. एक स्टेप कहाँ पे? यहाँ पे पीछे चले जाइए. एक स्टेप इस पीछे जाने के बाद इस सलूशन को रीएडजस्ट कीजिए. तो इस सलूशन को रीएडजस्ट करने का मतलब क्या है कि क्वीन जो मेरी थर्ड रो में थर्ड कॉलम में रखी गई उसको यहां से हटा दीजिए, और देखिए कि क्या हम इसको फोर्थ कॉलम में रख सकते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं है रखने? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए यहाँ पे. अब आगे चलिए और क्वीन को यहाँ रखिए. क्या रख सकते हैं? Yes, sir. क्या यहाँ रख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. रख दीजिए यहाँ पे. फोर्थ क्वीन के लिए फोर्थ रो में चलते हैं. क्या यहाँ रख सकते हैं? No, sir. यहाँ? इसका मतलब क्या है कि इन चारों क्वींस को नहीं रखा जा सकता. तो बैक ट्रैक करेंगे. बैक ट्रैक करेंगे तो ये जो क्वीन हमने यहाँ रखा था इसको रीएडजस्ट करते हैं. अब मुझे बताइए कि क्या क्वीन मैं यहाँ रख सकता हूँ?
नो सर नो सर एक स्टेप और बैक ट्रैक कीजिए यहाँ आइए क्या क्वीन को कहीं और रखने की पॉसिबिलिटी है इस रो में आपने सारे पोजीशंस चेक किए नो सर एक स्टेप और बैक ट्रैक कीजिए एक स्टेप और बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे इसी को रीएडजस्ट कर दीजिए इसको रीएडजस्ट करेंगे तो ये फर्स्ट पे रखा था आप इसको सेकंड पे रखिए ठीक है वन के बाद सेकंड रो में आइए क्या यहाँ रख सकते हैं क्वीन यहाँ नो सर नो सर यस सर यस सर थर्ड रो में आते हैं यहाँ रख दें क्वीन फर्स्ट कॉलम पे यस सर यस सर फोर्थ में आते हैं फर्स्ट कॉलम में रख सकते हैं नो सर यहाँ तो नहीं रख सकते यहाँ रख सकते हैं नो सर यहाँ रख सर यस सर यस सर यहाँ रख देते हैं अपनी क्वीन को तो अब चारों क्वीन को हमने प्लेस कर दिया और चारों अटैकिंग पोजीशन पे नहीं है तो जो सोल्यूशन के लिए हमने मेथड अडॉप्ट किया वो कौन सा मेथड था बैक पीछे वाले मूव के बारे में आप जानकारी अगर स्टोर करके रखेंगे अपने पास तभी तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है या अगर हम पीछे जाएंगे वापस जाएंगे तो किस वाले सोल्यूशन को हमें रीएडजस्ट करना है तो पीछे आपने जो भी सोल्यूशंस फाइंड किए हैं उसको स्टैक में स्टोर करके रखिए ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप जस्ट प्रीवियस वाले स्टेप पे जाइए और उस सोल्यूशन को रीएडजस्ट कर लीजिए तो यही हमारा बैक ट्रैकिंग है बैक ट्रैकिंग में भी हम स्टैक का यूज करते हैं